आज है हम छत्रपति शिवाजी महाराज वस्त्र संग्रहालय में, जिसे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता था। ये है फोर्ट एरिया के रीगल सिनेमा के सामने ही, और ये म्यूजियम 100 ईयर्स से भी पुराना है। और यहाँ पर बहुत सारा यूनिक कलेक्शन और आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर कि यहाँ पर क्या क्या है। एंट्री टिकट का कॉस्ट है 150 रुपीज फॉर इंडियंस, एंड साथ में ही यहाँ पर 50 रुपीज में ऑडियो गाइड भी है जो 3 languages में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। पूरा म्यूजियम 3 floors में डिवाइड किया हुआ है एंड यहाँ पर अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं। म्यूजियम में अंदर आ गए हैं और पीछे ही इन्फॉर्मेशन डेस्क है जहाँ से ऑडियो गाइड भी मिल जाएंगे। और पूरा म्यूजियम देखने के लिए यहाँ पर एक मैप भी दिया हुआ है, और मैप के फॉलो करके हम लोग पूरा म्यूजियम एक्सप्लोर करेंगे। तो इस ऑडियो गाइड की हेल्प से हम लोग पूरे म्यूजियम को एक्सप्लोर करेंगे, और इसमें जो जो भी नंबर्स हैं उस पर हम लोग समझ पाएंगे कि क्या क्या है एक्चुअली। एंड दिस सेज कि दिस म्यूजियम इज अ ज्वेल ऑन एन आइलैंड, तो लेट्स सी एक्चुअली क्या क्या है अंदर। लेट्स गो। नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन में बर्ड्स एंड एनिमल्स को बहुत अच्छे से शोकेस किया हुआ है, एंड यहाँ पर आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। इंडियन टेक्सटाइल्स गैलरी में इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में कैसे फैब्रिक यूज होते थे, एंड हिस्टोरिक टाइम्स में कैसे कपड़े पहने जाते थे, एंड इनकी प्रिंट्स एंड डाइस के बारे में इंफॉर्मेशन है। इस सेक्शन में मिट्टी के बर्तन से लेकर फाइन डाइनिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरी कंट्रीज की क्रॉकरी के साथ साथ इंडिया के व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में भी जान सकते हैं। मनी गैलरी में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में कैसे कॉमोडिटीज की ट्रेडिंग होती थी, एंड कैसे इंडिया में कॉइन्स का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, वो देख सकते हैं। तो
हमारी नोट्स पे अभी जो महात्मा गांधी का फोटो है वो इस फोटो से लिया गया है। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे कॉइन्स एंड नोट्स देखने मिलेंगे जो शायद ही कभी देखे होंगे। ज्वेलरी गैलरी में एंशिएंट ऑर्नामेंट्स का डिस्प्ले है। ह्यूज फीट ऑर्नामेंट्स, नेकलेसेस एंड डायमंड्स का कलेक्शन है यहाँ। द डायमंड्स आर ऑब्वियसली नॉट रियल, बट वेल, वेयर एल्स डू यू गेट टू सी दीस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? नॉट जस्ट पोर्ट्रेट्स बट पेंटिंग एग्जीबिशन में बहुत सारे इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स हैं। We can also see कि मुगल्स ने हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को कैसे पेंटिंग के फॉर्म में कलेक्ट किया हुआ है। एंड ऐसी छोटी छोटी पेंटिंग्स हैं अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल एंड लाइफ ऑफ इंडियंस कि इट विल हेल्प यू नो अ लॉट अबाउट आवर कल्चर। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग्स के स्कल्पचर फ्रॉम डिफरेंट एराज ऑफ टाइम से कलेक्ट करके रखे हुए हैं। इनमें नटराज, दशावतार और दूसरे और भी स्कल्पचर्स हैं। देयर इज ऑल्सो अ सेक्शन जिसमें हमें हिमालयन और तिबेटियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में भी काफी जानने मिलता है। जैन एंड बुद्धिज्म रिलीजन के ऊपर भी यहाँ पर मूर्ति और साथ में ऑडियो गाइड की हेल्प से काफी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो ये था आज का वीडियो। पूरा वास्तु संग्रहालय देखा हमने एंड इट टुक अस गुड 3 आवर्स, तो आप उतना टाइम लेके आना। 2-3 फ्लोर्स में है एंड हर एक फ्लोर पे बहुत सारी चीजें है देखने के लिए एंड म्यूजियम 6 बजे बंद हो जाता है, सो कीप दैट इन माइंड बिफोर कमिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।